आज के दिन 1987 में खोजकर्ताओं ने टाइटैनिक जहाज कमल बाग खोजा था। $75 लाख की लागत से बना टाइटैनिक उस वक्त का सबसे बड़ा जहाज था। बर्फ की चट्टान के टकराने से टाइटैनिक डूब गया था, जिसमें 1500 मुसाफिर मारे गए थे। आज ही के दिन 1921 में टोरंटो यूनिवर्सिटी के दो वैज्ञानिकों फ्रेडरिक बैटिंग और चार्ल्स बेस्ट ने डायबिटीज के इलाज को खोज निकाला था। उन्होंने इंसुलिन नाम के हार्मोन को अलग करने में सफलता पाई थी। इसके बाद टोरंटो यूनिवर्सिटी ने दवा कंपनियों को इंसुलिन बनाने का लाइसेंस दिया। आज के ही दिन 1939 में मध्य प्रदेश में रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से प्रथम बटालियन को स्थापित किया गया था, जिसे हर साल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल विश्व का सबसे बड़ा और पुराना बल माना जाता है। ये बल राज्य सरकारों द्वारा आदेशों के मुताबिक कार्य करता है। आज के ही दिन 1996 में अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में खेले गए ओलंपिक खेलों के खत्म होने के बाद एक रंगारंग कार्यक्रम के दौरान बम धमाका हुआ था। इस धमाके में 2 लोग मारे गए और करीब 200 घायल हो गए। धमाके के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने साफ कर दिया था कि आतंकवाद के घृणित कृत्यों से अमेरिका डरेगा नहीं और खेलों को जारी रखेगा। आज के दिन 2015 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का निधन हुआ था। 1998 के पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में डॉक्टर कलाम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में उनके सराहनीय योगदान को देखते हुए उन्हें भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है।